नमस्कार भव्य श्री न्यूज समय नूपुर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। शुक्रवार की सुबह ऐसी खबर थी कि प्रधानमंत्री शिंजो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इसलिए कि शिंजो ने अपनी पानी दृष्टि का सहारा लेते हुए अपनी गरिमामय कुर्सी पर किसी भी तरह का आँच या रुकावट नहीं आने देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री का पद देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह सभी जानते हैं। ऐसे में शिंजो आबे ने अपनी गिरती हुई सेहत से परेशान हैं और वे नहीं चाहते कि ऐसे में एक गरिमामय पद पर वो अभी भी विराजमान रहें। इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी, परंतु यह सच सबके सामने तब दिखाई पड़ा जब स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री शिंजो का एक वर्ष का कार्यकाल अभी बाकी है और उनका सोचना है कि इस एक साल में देश के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इसे कहते हैं मोह माया को छोड़कर पानी दृष्टि से देखना। सूचना के आधार पर उन्हें आंख से जुड़ी बीमारी है जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं और यह बीमारी को लेकर पद को संभालना बहुत मुश्किल है, उन्होंने स्पष्ट किया। और उन्होंने दुनिया तक को अपना निष्पक्ष और अहम फैसला सुनाते हुए इस महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा देने की बात कही है। अभी प्रधानमंत्री की उम्र 65 वर्ष है। इस बीमारी का इलाज उपलब्ध नहीं है और इसलिए समस्या बढ़ती ही जाएगी और ऐसे में किसी सार्वजनिक या देश की उन्नति और प्रगति की सोच और व्यवस्था पर पूर्ण रूपेण ध्यान देना संभव नहीं होगा, ऐसा उन्होंने माना है। और ये मोह कि हम पद पर बने ही रहेंगे देश के हित में नहीं होगा, यह सोचते हुए उनका यह सराहनीय फैसला है। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जापान अपने देश को मजबूत बनाने में लगी हुई है, इसलिए ऐसा इरादा किया कि देश पर आंच न आए। मालूम हो कि चीन के खतरे से भी बचाव करना जरूरी है, सिर्फ अपनी कुर्सी को बनाए रखना उचित नहीं। जबकि उनका कार्यकाल अभी सितंबर 2021 तक है, लेकिन वो इस मोह में उलझकर देश की गरिमा पर आंच नहीं आने देना चाहते हैं।